गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? परीक्षा की तैयारी चल रही होगी और करते रहना। इस बार आपको ऑनलाइन पेपर देना है, बराबर? तो ध्यान से समझकर आप पेपर लिखोगे। टाइम टेबल आपके पास आ गया होगा, है ना? तो सभी विषय में आप बराबर मेहनत कर लेना। आज हम देखते हैं इसके नाम संदेश, जो क्या है इसके अंदर, डॉक्टर अब्दुल कलाम का संदेश है कि क्या आप देश के लिए 10 मिनट निकाल सकते हो और इसके लिए हमें हमारी जो गलतियां होती है वह दिखाई है ना? तो हमारी क्या खूबी है, हम क्या करते हैं और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए, वह हमें यहाँ संदेश द्वारा दिया है, बराबर? जो पत्र के रूप में है, और वो भी एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है और उसमें ये सारी बातें समझाई है, बराबर? तो इसके अंदर हमने लेसन तो देख लिया है, अभ्यास के कुछ प्रश्न हम आज समझेंगे। ध्यान से सुनिए और अपने शब्दों में उत्तर लिखोगे, बराबर? तो अभ्यास का प्रश्न दूसरा है कि हम दूसरे देशों में अनेक कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं, तो क्यों नहीं करते, तो उसका कारण क्या है? तो क्योंकि हम अपने देश की शासन व्यवस्था को उचित यानी योग्य महत्व नहीं देते, हम उसे जो महत्व देना चाहिए वो नहीं देते हैं, बराबर? और हमारे देश में कायदे कानून के पालन के लिए शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता, यानी कि जो कायदा बनाता है वो ही थोड़ा सख्त हो जाए तो हम उसका पालन जरूर करते हैं, क्योंकि हमें सख्तता की जरूरत है। हम पर कोई सख्तता नहीं लाते तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और जाने देते हैं। तो जो दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है, वहाँ कायदे कानून सबके लिए एक होता है और वहाँ स्ट्रिक्टली होता है। स्ट्रिक्टली यानी सख्ती होती है, वहाँ पर सख्तता होती है। जो आपने ऐसा किया तो तुरंत इसके ऊपर कार्यवाही होती है, तो जो वह हमारे देश में नहीं है, समझ गए आप? फिर से ध्यान से सुन लो, हम अपने देश की शासन व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते और हमारे देश में कायदे कानून के पालन के लिए शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता, बराबर? ये हमारे प्रश्न का उत्तर। अब उसके आगे, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन, मतलब ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है, देश की नहीं। ये जो हमें भाग कर दिए हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, उन लोगों को ये स्वच्छता की ध्यान रखनी है, बराबर? और उनको हमें साथ देना है, बराबर? हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है, कौन कौन की समस्याएं हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते,
तो हमारे देश के विकास में भ्रष्टाचार, कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करना यानी कि सख्तता नहीं है, वह अव्यवस्था के लिए सरकार को दोष देना, अव्यवस्था है तो सरकार गलत, पर अव्यवस्था कहाँ से आती है वो हम देखते नहीं हैं। राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता आदि समस्याएं बाधक है, राष्ट्रीय कर्तव्य है उसके लिए उदासीनता है, तो वे सब समस्याएं हमारे लिए बाधक है, नड़तर रूप है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो सबसे पहले हम यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। क्या फर्ज है? ये फर्ज है देश की व्यवस्था को बनाए रखें, सरकार व प्रशासन को उनके कामों में सहयोग दे यानी कि मदद करें, देश की व्यवस्था को ऐसा बनाइए जिस पर सभी को गर्व हो, देश के प्रति ये सब हमारा फर्ज है और उनका पालन हमें करना चाहिए, बराबर। तो ये प्रश्न दो था। अब प्रश्न तीन क्या है? शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द साथ में ही है पर यहाँ वहाँ है, जो आपको उचित क्रम में लिखना है और पूरा सही वाक्य बनाना है। तो पहला है मैं, सफाई, खुदाई है, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? खुदाई में सफाई है, सफाई में खुदाई है नहीं, है ना? खुदाई में सफाई है ना, आया ना? ना, सफाई है तो वहाँ खुदाई है, खुदाई यानी खुदा है, भगवान है, स्वच्छता वहाँ प्रभुता कहते हैं हम, तो वह है। खुदाई में सफाई नहीं, तो इस तरह से शब्द यहाँ वहाँ है, आप लिखते समय ध्यान में रखना और फिर आप बताना कि क्या है। सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान, लेना और देना, सॉरी लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है, बराबर। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए, ये सही वाक्य है। तो ये चारों वाक्य आपको नोट में लिखना है। अब प्रश्न पांच क्या है? तो सॉरी प्रश्न चौथा बाकी रह गया, तो चौथा प्रश्न है ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए। ऐसे व्यवहार, कैसा व्यवहार चर्चा करना है हमें, जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं, हमें चर्चा करनी है किन किन कारणों से, किन किन चीज़ों से देश में अव्यवस्था खड़ी होती है एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बाधा डालती हैं, रुकावट देती हैं? तो यहाँ पर ऐसी कुछ है। तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, सांप्रदायिक दंगे, दंगे यानी
झुंगा फसाद होता है ना, जो जुलूस निकालते हैं, मारामारी करते हैं एक दूसरे के सामने, बॉम्ब फेंकते हैं, जले हुए गोले फेंकते हैं, तो वो दंगे फसाद कहते हैं ना वो, तो दंगे भड़क उठते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। भाषावाद आमने सामने गलत गलत बोलना, तो ये भाषावाद है। कभी कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग, असमझ भी इसका कारण बन जाती है। कहना कुछ चाहते हैं और समझते कुछ है, तो तब भी इस तरह से हमारे जो हमारा कार्य है वहाँ पर बाधा बन जाती है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। कट्टरवादी यानी जो ऐसी जगह पर मारझूड़ के लिए तैयार रहते हैं, कट्टरवादी, तो वह काम कर देते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। सही बात है, सरकारी संपत्ति जो होती है तो उनकी बहुत हानि, नुकसान होता है उसमें। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। ऐसी व्यवस्था जो है वह देश में अव्यवस्था खड़ी करती है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है, अशांति हो जाती है, और इसके लिए हमारे देश में विकास में बाधा डालते हैं, और हमारा जो विकास आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वह रुक जाता है। समझ गए? तो इतनी चीज़ें आप यहाँ दिखाओगे। अब आगे कि दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। अपना मत यानी अपना वक्तव्य, आपके विचार बताइए कि दहेज एक दूषण है तो सही है या गलत। तो ध्यान से सुनिए, दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। अभिशाप यानी शाप, यानी सबके लिए वरदान रूप हो गई है। दहेज देते जाओ लेते जाओ, तो ये हो गई है। यह एक सामाजिक कलंक है, गलत बात है, दहेज लेना नहीं चाहिए। कई बार दहेज दुल्हन के परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। सही बात है, दुल्हन के घर कभी कभी तो न होने वाली चीजें हो जाती हैं। क्यों? दहेज, पिताजी दहेज नहीं दे सके तो ऐसे कार्य हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे समाज में एक कलंक है। और फिर लड़कियों को ससुराल में दुख देते हैं, रूम में बंद कर देते हैं, या फिर जला देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां उन पर डाल देते हैं। उन्हें एक तरह से त्रास देते हैं, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ और ये लेकर आओ, ये करो ये करो, और फिर कुछ नहीं तो हर रोज की सुनाई देते हैं, तुम्हारे पिता ने ये किया, तुम्हारे पिता ने वो किया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो ये दहेज लेना अभिशाप है। जिसके कारण कई बार लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, और इसीलिए माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं कि, और इसीलिए कहते हैं लड़की तो सांप का भारा है, गट्ठर है, वो आई और दुख शुरू। बड़ी होने में तो जितना दुख नहीं है, पर शादी के बाद, शादी करवाते समय उन्हें बहुत दुख होता है जब वह मांगी हुई दहेज नहीं दे सके और बेटी को सब दुख देते हैं। तब यदि बहू दहेज न लाए तो उसे ताने दिए जाते हैं। अभी कहा ना बात,
तो ताने दिए जाते हैं, सुनाई देते हैं, अपमानित किया जाता है, बात बात पर अपमानित करते हैं। कई बार उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दिए जाते हैं। मानसिक यानी इस तरह से ताने देकर 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 मन के ऊपर असर कर देते हैं, और शारीरिक यानी उसे मार जोड़ करते हैं या फिर जला देते हैं या फिर कुछ और तरह से उसे परेशान करते रहते हैं। इस कुप्रथा के कारण कई लड़की वाले बेघर एवं बर्बाद हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, घर खेत जो भी है वो गिरवी रख देते हैं, और फिर वह उसके पैसे लौटा नहीं सके तो वो चीज़ उनकी चली जाती है, और इस तरह से वह बेघर हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रथा के कारण समाज में बाल विवाह, अनमोल विवाह, अनमेल विवाह तथा विवाह विच्छेद जैसी प्रथाएं अस्तित्व में आ गई। इसके कारण क्या हुआ? बाल विवाह कर देते थे। क्यों? क्योंकि बाल विवाह हो तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकते। समझ लो कि एक माता पिता पहले बहुत अमीर है, तो अमीर देखकर लड़के वाले लड़की की शादी कर देते हैं। समय जाने के बाद लड़की के माता पिता दरिद्र यानी कि गरीब हो जाते हैं, तो लड़के वाले को ये ले जाना पड़ता है लड़की को। तो इसीलिए बाल विवाह शुरू हो गए थे जो आज नहीं है। अनमेल विवाह, अनमेल विवाह यानी कोई मेल मिलाप ही नहीं है, पसंद आया कर लिया, अनमेल विवाह हो गया था। विवाह विच्छेद, किसी में भी टांग अड़ाना, भाग करवाना, तो वह भी हो गया था। तो जैसी ग्रंथाएं अस्तित्व में आ गई, इसके कारण कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं इसका अनुमान लगाना कठिन है, और इसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ती थी, और आज अब वह धीरे 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 दूर हो रहे हैं। बराबर। तो दहेज एक दूषण, इस विषय पर आप इस तरह से वाक्य लिख सकते हो। आपको अपने शब्दों में और भी कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। बराबर। अब आगे छठा प्रश्न कि हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं। एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रारूप यानी यहाँ सब कुछ दे दिया है, यहाँ यहाँ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, जैसे कि पता, दिनांक, अभिवादन, है ना? तो इस हिसाब से आपको पत्र लिखना है, तो आपको पत्र लिखने में दिक्कत होगी नहीं। परीक्षा में ये प्रारूप नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए आपको पत्र लिखने की कोशिश, प्रयत्न अपने आप करना है कि पहले क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे। बराबर। और किस और लिखोगे? पत्र लिखते हो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि पत्र के पता, दिनांक, वो सब किस और लिखोगे? बाईं ओर लिखोगे। समझ गए आप? बाईं ओर लिखोगे। जो आपने दाईं ओर लिखा और सही होगा तो अभी गलत, मैं मार्क्स दूंगी नहीं। बराबर। तो ध्यान में रखना लिखते समय। अब पत्र, परीक्षा में पत्र पूछा गया है, पत्र में उसी दिन की तारीख लिखोगे। बराबर। तारीख भी लिखते समय दिनांक जिन्हें कहते हैं, ध्यान में रखना
जो तारीख है, दिनांक है, वह अंक में होगा, महीना है वह शब्द में होगा, और फिर हमारी साल है। तो इस तरह से दिनांक लिखोगे। पहले तो आपका पता, सब अपना अपना पता टोक में लिख दोगे, पिन कोड नंबर के साथ, तो आपको प्रैक्टिस रहेगी। बराबर, कुछ पत्र में नहीं लिखना है पिन कोड, पर यहाँ लिखो, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। दिनांक और फिर प्रिय मित्र, आपके मित्र का नाम, सखी आपके मित्र का नाम, सब प्रेम नमस्कार। बराबर, यहाँ मैं बोलती हूँ, आपको वहाँ कुछ और लिखना, और यानी ज़्यादा लिखना हो तो लिख सकते हो। तुम्हारा पत्र मिला, वहाँ सभी कुशल है, यह जानकर खुशी हुई। मैंने यह पत्र तुम्हारे साथ आदर्श नागरिक के बारे में चर्चा करने के लिए लिखा है। ये क्या हुआ आपका विषय वस्तु, बराबर, किस कारण लिखा आप, बराबर, आदर्श नागरिक को देश के नियमों का पालन करना चाहिए, स्थानीय कार्यालयों को उनके काम में मदद करनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, विपत्ति के समय लोगों की मदद करनी चाहिए, देश में शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि हम इस तरह का आचरण करें तो हम एक आदर्श नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। आशा करता हूँ या करती हूँ तुम भी मेरी बातों से सहमत होंगे, होगा या होगी, या फिर होंगे लिखोगे, बराबर। अपने विचार मुझे पत्र के माध्यम से जरूर बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, करूंगी। अब समाप्ति में क्या लिखोगे, तो मेरे पिताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है, सॉरी ये अन्य समाचार है, मेरे पिताजी या माताजी या दादी जी जो भी है, नहीं है तो कुछ नहीं, घर पर सब कुशल है, ऐसा लिख सकते हो, स्वस्थ है। मेरी छोटी बहन तुम्हें बहुत याद करती है, बड़े भाई बहन हो, माता पिता हो, किसी की भी याद नहीं लिखना हो तो भी कोई बात नहीं। अब समाप्ति, अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार कहना, जो आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखना है, बराबर। तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपका नाम, बराबर। तो इस तरह से ये पत्र आप लिखोगे। यहाँ लिखना बहुत हो गया है, तो आज हम इतना ही समझते हैं। अगले प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे, बराबर। तो इतना लिखकर आप तैयार रहना, समझकर, सोचकर लिखना। ये पत्र आपको निबंध विभाग के अंदर लिखना है। ओके, थैंक यू।